लखनऊ में बारिश के चलते यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया, जिससे लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया गया। बीती रात लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास सड़क अचानक धंस गई और कई फीट गहरा गड्ढा बन गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह ही पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया, जिससे कोई हादसा ना होने पाए, और उसके बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया। गड्ढे से पानी को बाहर निकाला गया। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के सामने ये बड़ा सा गड्ढा बन गया है सड़क के धस जाने की वजह से। सुबह से ही यहां पर बैरिकेड करके इस जगह को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कोई वाहन हादसा यहां पर ना हो जाए। पंप्स की मदद से इसमें भरा हुआ बारिश का पानी उसको बाहर निकाला गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास रोड धंस गई है, लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि आज के दिन कई इलाकों में लगातार बारिश होती रहेगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ यहां पर भी बारिश हुई, लेकिन इस बारिश और तेज हवा और आंधी के कारण जो है ये सड़क धंस गई। यूनिवर्सिटी के सामने ये बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी भर गया था। हालांकि पंप की मदद से प्रशासन ने पानी को बाहर निकाल दिया है और साथ ही इस गड्ढे की बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि यहाँ कोई हादसा या दुर्घटना ना होने पाए। लखनऊ में बीती रात बारिश के चलते जो सड़क है वो धस गई है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय पर हैं, ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर हमारे पीछे आप ये देख पाएंगे ये बड़ा सा गड्ढा हुआ है। रात में 2-2.5 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि ये जो गड्ढा है 10 फीट से बड़ा है। यहाँ पर ये मेन रोड पर ये सड़क धस गई है और इसके बाद में जब यहाँ के लोकल्स ने जब इन्फॉर्म किया तो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने रोड के दोनों साइड में बैरिकेडिंग की है। ये रोड जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से IT चौराहे की ओर जाती है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ मेन रोड पर हुआ है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। अधिकारियों ने अभी तक जो जानकारी दी है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो सड़क है उसकी सतह पर पानी का रिसाव हो रहा था, जिसकी वजह से ये सड़क धंसी है। और क्योंकि कल से ही रुक रुक कर कई सारे जगह पे बारिश हो रही है, यहाँ पर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उसको देखते हुए जो ये सड़क थी वो कमज़ोर हो गई थी और जिसके बाद में ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। अभी आप देख पाएंगे मौके पर जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 के पास में ये विद्युत का उपकेंद्र है, जिसके ठीक सामने ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हुआ है। अब इसकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पर जो है हैवी ट्रैफिक डेली यहाँ से जाता है। तो ऐसे में इसको देखते हुए यहाँ पर इसका जो निर्माण कार्य है, इसका रिपेयरिंग का काम है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ये 10 फीट से बड़ा गड्ढा इस मेन रोड पर हो गया है, जिसको देखते हुए जो अपोजिट साइड है वहाँ पर दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है और IT चौराहे से हनुमान सेतु की तरफ जो रोड जाती है उस पर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य है उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जा रहा है क्योंकि ये मेन रोड है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि रात का मामला था, गनीमत की बात है कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ और दिन में कोई हादसा ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ दीक्षित, न्यूज 18। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश, प्रशासन की लोगों से अपील, सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। पलिया इलाके के लोगों से ये अपील प्रशासन द्वारा की गई है। पलिया तहसील क्षेत्र के गोविंद नगर कॉलोनी व भानपुरी खजुरिया के ग्रामीणों से जल्द ऊंचे स्थानों पर जाने की प्रशासन ने अपील की है क्योंकि यहां पर पानी भर गया है। पलिया SDM ने ये चेतावनी जारी की है। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट पहले से ही जारी किया हुआ है कि आज उत्तर भारत के कई राज्य, जिसमें UP के भी कई इलाके शामिल हैं, वहां पर दिन भर बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में लखीमपुर खीरी से तस्वीर सामने आई है, तेज बारिश के कारण जगह जगह पानी भरा है। ऐसे में प्रशासन ने यहां लोगों से अपील की है कि वो कुछ ऊपरी इलाकों पर जाएं। और लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से हो रही लगातार मूसला बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर आ गई है। NH 731 पर करीब 1 किलोमीटर तक शारदा नदी के बाढ़ का पानी सड़क पर पहुंच गया। तेज बहाव के चलते रोडवेज की बस फिसल कर गड्ढे में फंस गई और इसके बाद बस में बैठे 25 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पलिया कोतवाली के पलिया भीरा रोड पर यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में लगातार हो रही बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। इस हादसे में परिवार वालों को हल्की फुल्की चोट आई है। हादसे के वक्त परिवार घर के अंदर सो रहा था। परिवार के सदस्य किसी तरह जान बचाकर आनंद फानन में बाहर भागे। धनकौर थाना क्षेत्र के बिलासपुर की घटना है।
तो हादसे में हल्की फुल्की चोट कुछ लोगों को जरूर लगी है, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। उधर जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जालौन में कोच तहसील में बहने वाली पहुंज नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। पहुंज नदी में अचानक पानी आने से नदी की तलहटी के कई गांव बाढ़ से घिर गए। सबसे ज्यादा मऊ गांव प्रभावित हुआ। मऊ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। ग्रामीणों को यहां से पहले से ही ये आशंका थी कि ये बाढ़ आ सकती जिस तरह बारिश हो रही थी। आज यहाँ गांव में निरीक्षण करके इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। लोगों को कैंप में निकाल करके लाया जा रहा है, उनके खाने पीने रहने और चिकित्सा आदि के प्रबंध किए जा रहे हैं, और साथ ही SDRF की जो टीम है हमारी वो भी लखनऊ से रवाना हो गई है।